मैं धन्यवाद करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी का, जिनके सहयोग से मैं आत्मनिर्भर बन पाई। मैं एक पांच पढ़ी महिला हूँ, कम पढ़ी जैसे अनपढ़ के बराबर हूँ। कवि सोहनलाल द्विवेदी की लिखी कविता की यह पंक्तियाँ, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मंडी जिला के सुंदरनगर के भरजवाड़ों की सुनीता देवी पर पूरी तरह से फिट बैठती है। पति के अक्सर बीमार रहने और खेती लायक जमीन न होने पर अपने घर की छत पर पनीरी उगाने का कार्य करने वाली सुनीता देवी एक साल में 3 से 3.5 लाख रुपए की कमाई कर रही है। सुनीता देवी पनीरी उगाने के साथ लीज पर ली गई भूमि पर प्राकृतिक तरीकों से सब्जियों का उत्पादन भी कर रही है। सुनीता देवी केवल 5वीं पास हैं और आज वह छत पर पनीरी उगाने का कार्य करने पर देश भर में नाम कमा रही है। उन्हें नाचन जन कल्याण सेवा समिति, कृषि विज्ञान केंद्र सुंदरनगर और कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के कुलपति ने उनके घर आकर सम्मानित कर चुके हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने भी महिला किसान दिवस के अवसर पर सुनीता के साथ वर्चुअली बातचीत कर उनके सराहनीय कार्य के लिए तारीफ की है। सुंदरनगर से ज्योति शोडी की रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम सुनीता देवी है, मैं ग्राम पंचायत जुगाना और सुंदरनगर से हूँ, गांव बरजानों से। मेरा काम पनीरी का है। मैंने जैसे पहले घर की स्थिति कुछ ठीक नहीं थी तो मैंने अपने लेंटर पर ही पनीरी का काम शुरू किया। जमीन कम होने के कारण फिर मैंने धीरे धीरे अपना काम बढ़ाया और फिर मैंने 3 बीघा जमीन लीज पर ली हुई है, उसमें मैं सब्जियों का काम करती हूँ। अपना भी है, अपनी जमीन भी है मेरे पास 1 बीघा, उसमें भी सब्जियों का काम करती हूँ और घर में पनीरी का काम करती हूँ। पहले मैंने काम शुरू अपने घर की छत के ऊपर ही किया, जमीन कम होने के कारण। पहले जमीन कम थी, कहीं पेड़ पौधे थे, फिर धीरे धीरे मैंने अपना काम बढ़ाया और इससे मेरी आमदनी साल की 1 लाख रुपए हो जाती है। जैसे खेत में मैंने सब्जी लगाई हुई है उसमें 2-2.5 लाख के करीब मेरी आमदनी हो जाती है। पहले तो थोड़ी कम थी, अब थोड़ा बढ़ा के ज़्यादा करके ज़्यादा हो रही है। मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप की प्रधान भी हूँ और एग्रीकल्चर वोमेन की ग्रुप की प्रधान हूँ, सेल्फ हेल्प ग्रुप की सचिव हूँ, महिला मंडल की प्रधान हूँ, बीओ ग्रुप की भी मैं प्रधान हूँ और क्लस्टर ग्रुप के मेंबर हूँ और एपीओ की भी मैं मेंबर हूँ। और मेरे पास पालमपुर से बच्चियाँ भी आती है। जैसे 2020 में मेरी कृषि मंत्री रूपाला जी से कॉन्फ्रेंस हुई और पालमपुर के मेरे हरिंदर कुमार चौधरी मेरे घर में आए किस दिन और उन्होंने बहुत सराहना की, भाई सुनीता जी आप अच्छा काम कर रहे हैं। उससे पहले मेरे पास अबलासी के 100-150 बच्चे ट्रेनिंग ले चुके हैं और अब पालमपुर से भी बच्चे आते हैं और उनको मैं अच्छी तरह गाइड करती हूँ। और मेरे पनीरी का काम है, सब्जियों का काम है और मेरे को उन्होंने पालमपुर बुला के सम्मानित किया और कृषि विकास खंड से मेरे को बहुत सहायता मिलती है और बीज सब्सिडी पर बीज भी मिलते हैं। जैसे कृषि विज्ञान केंद्र से भी मेरे को फ्री ट्रेनिंग मिली हुई है, जैसे मशरूम की, सब्जियों की और बीज वगैरह भी देते हैं वो और सब्सिडी पर भी देते हैं। विकास खंड से भी मेरे को बड़ी सहायता मिली, जैसे मेरा आत्मा ग्रुप भी है और उससे भी जुड़ी हूँ मैं, उन्होंने 10,000 रुपये फंड भी दिया है हमें ग्रुप चलाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। जैसे मेरा सब्जियों का है, पनीरी का ही काम है ज़्यादा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रदेश सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी का, जिनके सहयोग से मैं आत्मनिर्भर बन पाई। मैं 1 5 पढ़ी महिला हूँ, कम पढ़ी जैसे अनपढ़ के बराबर हूँ कि मैं आज इतने आगे पढ़ पाई।